मुंबई के कांदिवली में नूर सामाजिक संस्था और मोहिद्दीन शेख उर्फ मामू की तरफ से दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस इफ्तार पार्टी में हर समाज के लोग शामिल हुए, साथ ही हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी शामिल होकर एकता की मिसाल दी गई। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं संदेश दूंगी सभी को, रमजान मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में 3 साल से नूर सामाजिक संस्था जो इफ्तार पार्टी कार्यक्रम करते हैं हमारे मोहिद्दीन मामू, ये वाकई में यहाँ पे नूर नजर आया है। जैसे कहा जाता है रमजान मुबारक रहमत बरकत और नेमतों का महीना है, तो यही रहमत बरकत और नेमत यहाँ नजर आई है। मैं दुआ करती हूँ कि इस रमजान मुबारक महीने में अल्लाह ताला हर किसी पर रहमत बरकत और नेमत अपने हासिल करे और अल्लाह ताला से सब दुआ करें, और जब भी अपना हाथ उठाए रमजान और मुबारक महीने में तो फिलिस्तीन के लिए जरूर दुआ करें। और यहाँ पे जो लोग सब यहाँ जमा हो, सभी पार्टी के लोग आए हैं, सभी समाज के वर्ग के लोग आए हैं यहाँ पर, और एक मोहब्बत का पैगाम मामू ने दिया है नूर सामाजिक संस्था द्वारा। तो ये पैगाम हर साल दिया जाता है मामू के तरफ से, हर समाज में हर एक कोई कार्य होता है, जब युवाओं की कोई जरूरत होती है तो मामू जल्दी खड़े हो जाते हैं, महिलाओं की कोई बात होती है तो मामू खड़े हो जाते हैं। तो मामू समाज में एक अच्छी छवि लेकर इतना अच्छा सामाजिक चेहरा है मामू का, जो मामू हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर युवा के लिए आगे आते हैं। मैं मामू को मुबारकबाद देती हूँ इस इफ्तारी के मौके पर, और मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे ही नूर हमेशा इफ्तार में नजर आए और ऐसे ही नूर के साथ हम नूर सामाजिक संस्था के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा उनके साथ खड़ी है। मुबारकबाद पेश। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को रमज़ान और आने वाली ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इतने तमाम संख्या में यहां पर लोग आए इफ्तार पार्टी में। हमारे घोसालकर जी जो कि इंडिया गठबंधन के आने वाले वक्त के नेता हैं, और आए हुए तमाम पार्टियों के नेतागण जो यहां मौजूद हैं, मैं फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, और इस देश की खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। इसी संदेश को हम लेकर हमेशा आगे बढ़ते हैं, और हमारी यही अपील है कि देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है उसे बंद होनी चाहिए। और जिस तरह आज इफ्तार पार्टी में जो दिखा कि एक ही मंच पे हर धर्म हर वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए थे, इसी तरह का हम कल्पना करते हैं भारत देश हमारा बने, और इसी के साथ मैं फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। सब आए इसके लिए, सबका शुक्रिया है रमजान का। इस मौके पर नूर संस्था की ओर से हर साल बड़े पैमाने पे ऐसे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे हमारे अध्यक्ष फिरोज भाई और उनके अब्बा मोहिद्दीन भाई की ओर से ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। मैं इस माँ पवित्र माँ की सभी हमारे भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और ये भाईचारा इसी तरह से इस विभाग पे चलता रहे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, नूर सामाजिक जो संस्था है हर साल दावत इफ्तार का आयोजन करती है। हम यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हमेशा से शामिल होते आए हैं। मेरी नगरजनों को यही हमेशा से आग्रह रहता है कि जो एक सामाजिक हमारे यहाँ ढांचा है, ढांचे को बना करके हम रखते हैं, उसी ढांचे का सामंजस्य बनाने के लिए हम सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। आने वाले सालों में भी और इस साल भी सहभागी होकर के लोगों में आपस में जो प्रेम भाईचारा है, प्रेम मोहब्बत है, बना रहे, यही लोगों से अपेक्षा करते हैं। यह संस्था ने आज इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया है, तो उनको शुभेच्छा देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सारे उपस्थित सभी भाई बहनों को इस त्यौहार के ऊपर मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ।